हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम शिमला। देखिए, अभी लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी का सीन ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं मनाली के लिए शिमला से। और दूसरी बात ये कि ये हमारा रूम था, शिमला में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में हमने रूम लिया था 400 रुपीज़ का। मैंने ये वाला रूम इसलिए लिया कि ये बड़ा सस्ता है और सब जगह से, क्योंकि शिमला में ना अभी सीज़न का टाइम है, इसलिए 1500 से नीचे रूम मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी सी बात है, 400 रुपये में कमरा मिल जाता है और 100 रुपये में बेड भी मिल जाता है। सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं, नहा लिया, फ्रेश हो गए। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ से निकलते हैं, ISBT हमें जाना पड़ेगा, जो शिमला का ISBT है वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से बस लेंगे। और पता नहीं बस का क्या सीन है, वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ से फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं ISBT। ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पे हमने कल की रात स्टे किया था। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि गुरुद्वारे में या फिर मंदिर में या कहीं भी जहाँ पे रहने का इंतज़ाम होता है, वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल रेट लेते हैं लोग। तो ऐसे जगहों पे आप बढ़ा करके भी पैसा दे सकते हैं, जैसे 400 रुपये था तो आप 500 भी दे सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि ऐसे जगहों पर पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं काम ही आ जाता है अच्छी अच्छी चीज़ों में। बस तो हमें मिल गई थी, लेकिन एक दिक्कत की बात ये आ गई ना कि मेरा वॉलेट श्रीनगर में छोड़ दिया था और हमारे पास कैश है नहीं, इस वजह से हमें पहले कैश का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये बहुत दिक्कत की बात हो गई हमारे साथ। देखते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई बंदा देने के लिए रेडी हो जाए कैश तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे को कुछ कैश चाहिए था, आप दे देंगे? नहीं हो पाएगा, या कोई दे पाएगा क्या? बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ब्रदर, कैश का इंतज़ाम हो गया, 1000 रुपया। यहाँ पे मैं खाना खाया करता था, एक दिन यहाँ पे रहा शिमला में, तो सुबह का नाश्ता खाना यही खाता था। तो अंकल को मैंने अपनी बात बताई तो रेडी हो गए, कहा कि ठीक है ले लो, थैंक यू सो मच, अब काम हो गया। अब क्या करते हैं कि ISBT पहुँच जाते हैं। ISBT देखिए भाई, ऐसा है कि हम फाइनली पहुंच चुके हैं शिमला के ISBT में, और ये है शिमला का ISBT। यहाँ पे वैसे दो बस स्टैंड है, एक ओल्ड शिमला में ही है जहाँ पे मैं रुका हुआ था, वहाँ पे एक बस स्टैंड है और उस बस स्टैंड से लोकल जो एरिया है वहाँ पे बस जाती है, और ये जो ISBT है यहाँ से दूर दूर जाती है बस। तो अब पता करना है हमें कि मनाली के लिए कहाँ से मिलेगी बस, मिलेगी कि नहीं, ये भी दिक्कत की बात है भैया। मनाली के लिए कहाँ से मिलेगी बस? मनाली के लिए ऊपर से, इधर से जाना पड़ेगा। शाम को जाएगी 7 बजे लक्कड़ बाजार के लिए। अच्छा, तो अभी कुल्लू के लिए मिलेगी? कुल्लू के लिए लगेगी, ऊपर है ना बस, पर काउंटर पे टिकट ले लो ना, सीन नंबर फिर। जी हाँ, कुल्लू से तो मिल जाएगी ना मनाली के लिए बस, कुल्लू से दुनिया भर की बस है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ऐसा है कि हम ऑलरेडी लेट हैं, इस वजह से हमें मनाली के लिए बस नहीं मिलेगी, हमें कुल्लू के लिए बस मिलेगी। तो पहले हम कुल्लू पहुंच जाते हैं, फिर कुल्लू से हमें इजीली मनाली के लिए बस मिल जाएगी। हाँ जी, ये वाली बस। हमें कुल्लू के लिए तो बस मिल गई है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि एकदम पीछे वाली सीट मिली है, और 4-5 घंटे के बाद सीट आगे खाली होगी तो हमें आगे सीट मिलेगी। अब वैसे ही चलना पड़ेगा, पीछे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है चलने में, है ना? ये भाई जी भी कह रहे हैं कि तबीयत खराब लगने लगती है। देखते हैं कंडक्टर साहब से बात करके, देखते हैं अगर वो दे देंगे आगे तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। और बात करें बस के किराए की ना, तो अभी कंडक्टर साहब ने अभी पैसा लिया नहीं है, जब पैसा लेंगे तो आपको बता देंगे कितना लगेगा यहाँ से कुल्लू तक का।
12 बजे यहाँ से खोलेगी तो लगभग कुल्लू हम शाम के 6 बजे पहुँचेंगे। नहीं तो मंडी पहुँचेगी 4:30 के आसपास, ये 4:30 के आसपास मंडी तो कुल्लू का पहुँचेगी। तो देख लो आप 6:30 के बाद फिर वहाँ से बस लेनी पड़ेगी मनाली के लिए, फिर हम पहुँचेंगे मनाली। हमें फाइनली आगे सीट मिल गई। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, इनकी एक सीट यहाँ पे थी, तो इन्होंने क्या किया कि वो सीट हमें दे दिया और बड़ी मेहरबानी कर दी हमारे ऊपर। अब क्या है कि यहाँ से हम बिल्कुल अच्छे से कैप्चर भी कर पाएंगे और बिल्कुल आगे सीट मिल गई है, तो अब तबीयत वबीयत भी ख़राब होने के चांसेस नहीं है। पीछे ऐसा होता है ना कि पीछे थोड़ी सी ना वॉमिटिंग सी फील आने लगती है, लेकिन आगे में थोड़ा सा ना सहूलत है। शिमला से निकले हुए हमें 2 घंटा हो गया और अभी पता नहीं ये कौन सा लोकेशन है, बस रुकी है यहाँ पे लंच के लिए। तो दूसरी बात ये कि मैं आपको बता चलो कि मेरा वैसा कोई प्लान नहीं था मनाली जाने का, लेकिन ये सडनली बन गया। हमारे शहर से 2 लड़के आ रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि हम मनाली आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो मनाली आ जाओ हमारे साथ। एक तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और दूसरी बात कि मनाली एक्सप्लोर भी कर लेंगे, क्योंकि मनाली में ना अभी फ्रेश स्नो पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा एक व्लॉग बन जाएगा मनाली के ऊपर, और जो भी चीज़ें होंगी हम आपको दिखा भी देंगे। खाने में आ चुका है चावल, राजमा, कढ़ी है और ये दाल है। 80 रुपये का ये खाना है। अब यहाँ से बस खुलेगी ना तो सीधा कुल्लू में ही रुकेगी, और मैंने आपको बस का किराया नहीं बताया, बस का किराया मेरा 480 रुपये लगा है शिमला से कुल्लू का। शिमला से कुल्लू जाने के लिए आप ऑनलाइन भी बस बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि रेड बस पे बस जाती है, थोड़ी लग्जरी बस होती है, उसका किराया लगभग 700-800 रुपया होगा, तो वैसे बस भी लेकर के आप जा सकते हैं शिमला से मनाली या मनाली से शिमला, या शिमला से दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं भी जाना हो कर सकते हैं। ये HRTC की बस है इसलिए थोड़ी सस्ती पड़ी हमें 480 रुपये में, अगर मैं बुक करा के जाता तो मेरा कम से कम 700-800 रुपये लग जाता। अभी हमें लंच करके निकले हुए 1 घंटा हुआ है और हमारे बस का जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है। आधे घंटे से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, फिलहाल टायर जो है वो रिपेयर हो रहा है, अच्छा खासा टाइम ऑलरेडी लग चुका है हमारा। टाइम हो रहा है 9:30 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं कुल्लू। 2 घंटा हमारी बस जो है लेट है, वो इसलिए कि हमारी जो बस थी वो पंचर हो गई, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। वैसे अगर टाइम पे बस चलती तो 2 घंटा पहले हम यहाँ पे 7 बजे पहुंच जाते, यहाँ से मनाली जाना हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन अभी 9:30 हो रहा है इसलिए अब मनाली जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहाँ पर बस रुकी उसके ठीक सामने हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में उम्मीद करते हैं कि रूम मिल जाएगा। अगर रूम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सत श्री अकाल भाजी, रूम मिल जाएगा तो अंदर पूछना पड़ेगा। गुरुद्वारा बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही था, पता कर लेते भाजी। सत श्री अकाल, रूम मिल जाएगा? मिल जाएगा। हमें कमरा भी मिल गया और अब क्या करते हैं ना कि सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ डोली पाजी, हमने खाना नहीं खाया तो लंगर चख लेते। थैंक यू पाजी, हमने खाना भी खा लिया, रूम भी हमें मिल गया है
और जो रूम का रेंट है वो 500 रुपये है यहाँ पे। ये सीढ़ी होगा है ना। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये एक भाई है केरला से, तो ऐसा किया कि हमने रूम शेयर कर लिया, तो दोनों का 250-250 रुपये पड़ा है। ये अकलमंदी वाली काम की हमने। 101 इधर होगा। ये है रूम हमारा। ये भाई केरला से। भाई कहाँ से आप? केरला से। केरला से। फैन ऑफ कर दो। क्या नाम है? सनित। सनित क्या सोलो ट्रैवल? सोलो ट्रैवल। गुड यार, मैं भी सोलो। असल में ये नीचे मिला हमें, तो रूम चाहिए था इसे भी, तो मैंने कहा कि शेयर कर लेते हैं, हाफ हाफ हो जाएगा। वैसे एक बंदे को 500 रुपये पे करना पड़ता था। ठीक है ना हमने सनित, है ना भाई? हाँ। हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा। गुड। तो आज रात हम यहाँ पे स्टे करेंगे। खाना भी खा लिया, बहुत शानदार खाना था। रोटी था, दाल था, बैगन की सब्ज़ी थी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।